क्रिप्टो रेगुलेशन का जो बात चल रहा है, अपना जो पनौती है उसको गोरे लोग कानून बना के देंगे और बोलेंगे ये इम्पोज कर, और इम्पोज हो जाएगा। तो ये सिचुएशन से बचने का कोई रास्ता नहीं है। अभी एज ऑफ अक्वेरियस, डिसेंट्रलाइजेशन आएगा, ऐसे बड़े बड़े लोग बोल रहे हैं, सदगुरु भी बोल रहा है, तो ऑफकोर्स ऐसा होना चाहिए, लेकिन फिलहाल वैसा दिख नहीं रहा है। एक पब्लिक एग्जीक्यूशन लगेगा, फ्रांस में ये मैक्रोन का हो गया। फ्रांस वाले थोड़े ज़्यादा वायलेंट लोग हैं, तो हो ये एक अच्छा, मतलब ह्यूमैनिटी के लिए मैक्रोन का सेक्रीफाइस चल जाएगा। तो किधर तो ऐसा बड़ा इवेंट हुआ, फिर कुछ बचने का चांस है, क्योंकि अभी कैसा चल रहा है, कॉरपोरेट्स विद गवर्नमेंट्स और सारे मिलीभगत गवर्नमेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड और उनके साथ टेक कंपनी कॉरपोरेट्स, तो बचने का कोई चांस नहीं है, किधर भी नहीं जा सकते। और ये जो डिजिटल सर्टिफिकेट बन रहा है, हेल्थ आईडी, ये ब्लॉकचेन पे रहेगा अलोंग विथ योर वर्क। तुमने डिग्री कौन सा लिया वो भी ब्लॉक, मतलब पूरा तुम्हारा आइडेंटिटी, किधर किधर काम किया, क्रिमिनल हिस्ट्री सब ब्लॉकचेन पे रिकॉर्डेड होगा। अभी ये लोग बोलते हैं वो प्राइवेसी भी और सेफ्टी भी, तो तुमको हेल्थ रिकॉर्ड, एक तुम्हारा कौन सा रिकॉर्ड एक्सेस करने को देने का है किसी को, तो तुमको ओटीपी आएगा, ओटीपी डालोगे, ऐसा बोलते हैं। ओटीपी मतलब ये कैसा है, एक कौन सा, तो दो तीन कॉइन है उसमें प्राइवेसी भी सेफ्टी भी, तुम्हारे ट्रांजैक्शन पूरे प्राइवेट रहेंगे, लेकिन ऑडिटर या सरकार को देना है, देन यू कैन गिव योर डिटेल्स, तो मतलब फुल ट्रांसपेरेंसी। तो इसमें फंसेगा ही सब लोग, तो प्राइवेसी बोल के अगर तुमको बंदूक दिखाया, बोला तुम्हारा वर्क हिस्ट्री दिखाओ, ओटीपी आएगा वो दो, तो तुमको देना ही पड़ेगा। तो ये जुमला से बचने का कोई चांस नहीं है। 80% लोगों को अभी भी लगता है करुणा सच्चा है, और वैक्सीन एक्चुअली 50-60% लोगों को जिसने टोचन लिया है, दे आर सफरिंग, हेल्थ इश्यूज आए हैं वो लोग के, हेल्थ इश्यूज है जब से टोचन लिया है, लेकिन ले चुके हैं दो दो डोज। तो स्टिल लेने के लिए तैयार है, क्योंकि जॉब भी भटका हुआ है। इससे बचने का कोई चांस नहीं, कोई सरकार गिरे, जो बहुत सारे लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं, क्लिफा है प्रेडिक्ट कर रहा था, 2 साल पहले ही सरकार गिरने वाली थी इटाली की, इटाली में फाइनेंशियल बबल फूटेगा ऐसा वो बोला, फूटा, जब भी वो बोला 1 महीने के बाद फूटा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। 2-3 बिलियन या ट्रिलियन डॉलर का कुछ तो ये था वो सरकार ने फिक्स किया, कुछ भी नहीं हुआ। इंडिया में 5 लाख करोड़, 4 लाख करोड़ कॉरपोरेट डेट था, इंडिया डूबने वाला है वो भी बोल रहा था, तकलीफ है, लेकिन कुछ नहीं हुआ, क्योंकि पैसा छाप के मतलब कुछ नहीं होता है। तो ये अभी ये लोग सब डिस्कस करेंगे, G20 वाले, कैसे रेगुलेट करने का। ये जो नोड ऑपरेटर्स है, डिसेंट्रलाइज माइनर्स है, ये जो ब्लॉकचेन पे डिजिटल आइडेंटिटी बनेगा वो कनेक्ट करेंगे तुम्हारे क्रिप्टो वैलेट एड्रेस से, दैट इज़ KYC वेरीफाइड। वैसा सिस्टम्स बना भी है डिसेंट्रलाइज आइडेंटिटी वाला, तो वही उठा के सब गवर्नमेंट्स यूज़ करने वाले हैं। डिसेंट्रलाइजेशन के नाम पे डीप स्टेट ने ये प्रोजेक्ट्स फाइनेंस किए हैं डिजिटल आइडेंटिटी वाले, और ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं। तो तुम्हारा जो डिजिटल आइडेंटिटी रहेगा वो तुम्हारे वैलेट एड्रेस को कनेक्ट होगा, और कोई भी नोड ऑपरेटर जो तुम्हारा ट्रांजैक्शन प्रोसेस करेगा,
उधर ही सर्विस टैक्स या उधर ही टैक्स लग के कट के भारत इंडिया का गवर्नमेंट को टैक्स जाएगा इंडियन ट्रांजैक्शन पे। इसमें कुछ भी मतलब इसमें छुपा ही नहीं सकते। मनेरो या पायरेट चेन ऐसे कॉइन्स खरीदने पड़ेंगे। एक्चुअली वी आर इन सच ए टाइम कि ये जल्दी से जल्दी किधर का सरकार नहीं गिरा, किधर बड़ा दंगा नहीं हुआ, पब्लिक एग्जीक्यूशन ऑफ ए कंट्री लीडर नहीं हुआ, तो ये होगा डिसेंट्रलाइज्ड आइडेंटिटी ऑन द ब्लॉकचेन। सारे कंट्रीज़ मिलके रेगुलेट करेंगे, तुम किधर भी भाग नहीं सकते डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे। अभी किधर तो केवाईसी लग रहा था, यूनिस्वाप पे ऐसा बोल रहे थे क्या, किधर तो केवाईसी है डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज, वो तो लगेगा ही क्योंकि ये लोग वो जो प्रोटोकॉल है उसको चलने नहीं देंगे। गवर्नेंस टोकन है तो किसी के पास तो प्राइवेट की है तो चलने नहीं देंगे। आइस केस में हेक्स जो मॉडिफाई नहीं होता है, किसी के पास प्राइवेट की नहीं, वैसे कॉइन को कॉइन बना सकते हैं। मतलब प्रोटोकॉल ऐसा हो कि किसी के पास एडमिन की ना हो और उसको ही पैसा मान के वैसा कर सकते हैं। लेकिन ये जो सिचुएशन है ये काफ़ी टाइट है। अगर सरकार के कंट्रोल में गया तो तुम्हारे जेब में चाराना भी बचेगा नहीं, सब पैसा सरकार ले लेगी। तुम वीडियो गेम में रखो, मेटावर्स में रखो या किधर भी रखो, एनएफटी में रखो, सारे कंट्रीज़ मिलके रेगुलेट करेगी, नोड ऑपरेटर्स पे वॉच रखेगी, कौन ट्रांजैक्शन प्रोसेस करता है उसको जिम्मेदार बनाएगी। तुम बच के जाओगे किधर? ये केस में कोई बचने का चांस नहीं है। तो अब भी कुछ होता है तो मज़ा आ जाता है, नहीं तो अपन सब गए काम से।